Dear students, Assalamu alaikum. I am UZMA Manzoor. Today we will study play number 3, The Oyster and the Pearl. First, I will tell you about the main characters of the play. The first character of the play is Harry Van Dusen. He is a barber by profession. Second important character is Clay Larrabee. Clay Larrabee is a boy. And he is a young boy of 9 or 10 years old. And then another character, Clark Larrabee. Clark Larrabee is Clay's father. And then Miss McEachin, she is a new school teacher. Another character whose name is not given, and he is given a name of a man. Ek aur character hai jisko ke sirf man ka naam diya gaya hai, uska naam nahi bataya gaya. Aur by profession wo ek writer hai, wo likhta hai drama, kahani, story, whatever. Next character, Roxana Larrabee. Roxana Larrabee Clay ki behan hai. Greeley Clay ka dost hai. Judge Applegarth gaon ka ek aur shakhs hai us town ka. और अभी मैं जब आपको उसकी स्टोरी बताऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसको जज क्यों कहा जाता है. लास्ट कैरेक्टर जो है वो है वुजक. वुजक जो है वो एक वॉच रिपेयरर है, रेडियो रिपेयर करता है, अलार्म क्लॉक और इसी तरह की चीज़ें वो रिपेयर करता है. और उसकी शॉप पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी ख़रीदी और बेची जाती है. प्ले कुछ इस तरह से शुरू होता है कि हैरी जो है वो खुद एक बार्बर है, लेकिन वो बार्बर की शॉप में बार्बर की चेयर पे बैठा है और क्ले उसके बाल काट रहा है. ये जो प्ले है ये सारे का सारा प्ले एक बार्बर की शॉप में ही बनाया गया है. सारे के सारे कैरेक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करने के लिए बार्बर की शॉप में आते हैं, अपना रोल प्ले करके वापस चले जाते हैं. जबकि हैरी जो है, चूंकि वो उसकी अपनी शॉप है इसलिए वो वहीं पर मौजूद रहता है. इस प्ले में जो जगह है जहां पर ये प्ले बनाया गया है उसका नाम है ओके बाय द सी, उस टाउन का. और उस टाउन की पॉपुलेशन है 909 इसकी पॉपुलेशन है. इस टाउन के लोग बहुत गरीब हैं. उनके पास अपने डेली के एक्सपेंस और डेली की जो उनकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते. वहाँ के लोग मोस्टली सर्दियों में कहीं काम, गर्मियों में काम करते हैं और सर्दियों में वापस आ जाते हैं. और वो जब कुछ पैसे कमा कर लाते हैं और उन्हीं पैसों पर वो गुजारा करते हैं. क्ले भी इसी टाउन का एक रहने वाला बाशिंदा है, एक लड़का है. और उसके घर में भी वही सारे मसाइल हैं जो आम लोगों के घरों में भी होते हैं. उसके माँ और बाप की आपस में नहीं बनती. उसकी वजह क्या बताई गई है? उसकी वजह यह है कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपने बच्चों को वो सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी देना चाहते हैं जो कि आमतौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों को देना चाहते हैं. लेकिन क्ले का बाप चूँकि कोई काम नहीं करता और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी या अपने बच्चों को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया कर सके, इसी वजह से उन दोनों हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई होती रहती है. क्ले का बाप जब अपने बच्चों को वो सब कुछ नहीं दे पाता जो कि एक बाप को देना चाहिए, तो वो उसकी जो वाइफ है वो इसी बात पर उससे लड़ाई करती है. इसी तरह की लड़ाइयों के बायस एक दिन क्ले का बाप अपना घर छोड़कर चला जाता है. अब क्ले जो है वो अपने बाप को वापस लाना चाहता है और उसको इसी मकसद के लिए पैसे चाहिए. वो चाहता है कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएँ जिससे मैं अखबार में एक इश्तहार दूँ. और दूसरा उसको पैसे इसलिए चाहिए कि वो चाहता है कि मेरी जो माँ है मैं उसको एक तोहफ़ा दे सकूँ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं. ओके बाय द सी में एक समंदर है और वहाँ के जो रिहायशी हैं उनका एक ये भी वहाँ के लोगों का एक हैबिट है उनकी कि वो वहाँ समंदर पे जाते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आते हैं. उनका ये ख्याल है कि समंदर काफ़ी दफ़ा काफ़ी कीमती चीज़ें उछाल देता है. और क्ले भी इसी गर्ज से समंदर पर जाता है कि शायद मुझे वहाँ पर कुछ मिल जाए और मैं उससे बेचकर कुछ सीप मिल जाए, कोई ऑयस्टर मिल जाए, कोई पर्ल उसके अंदर हो, तो वो मैं उसको बेचकर अपने बाप को वापस ले आऊँ और अपनी माँ के लिए तोहफ़ा ख़रीद लूँ.
इसमें एक और जो कैरेक्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है मिस मैक्यूचिन का। वो एक बहुत ही मॉडर्न किस्म की टीचर है और वो जब यहाँ आती है तो वो ये देखती है कि यहाँ के बच्चे बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ खेल कूद चाहते हैं। और वो बच्चों के साथ एक दिन समंदर पे जाती है हफ्ते के रोज़, और वो ये चाहती है कि वो जाकर देखे कि बच्चे क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं। और ऐसा करने के लिए वो बच्चों के साथ एक दिन स्पेंड करना चाहती है। उसके साथ साथ वो हैरी को ये कहती है कि वो मेरे बाल काट दो और मेरा हेयर कट कर दो, पडल हेयर कट। अब वो जो हैरी है वो उसके बाल नहीं काटता और वो ये कहता है कि मैं औरतों के बाल नहीं काटता, मेरी दुकान पे जो औरतें आती हैं वो सिर्फ वो होती हैं जो अपने बच्चों के बाल कटवाने के लिए आती हैं। खैर, इन शॉर्ट ये कि जब हैरी जो है वो अपने रूटीन के काम करने लग जाता है, जब उसकी शॉप पे इस तरह कस्टमर्स आ रहे होते हैं, तो जो क्ले है वो समंदर पे चला जाता है। समंदर पे जब वो जाता है तो वहाँ जाकर उसको एक ऑयस्टर मिलता है, एक सीप मिलता है, और उसका ये ख्याल है कि इस सीप के अंदर एक पर्ल है, एक मोती है। जब वो जाता है इसी दौरान एक राइटर जिसको मैन का नाम दिया गया है वो आ जाता है और वो अपने बाल कटवाना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता। अभी वो उसका हेयर कट करने के लिए, शेव करने के लिए उसके इर्द गिर्द तौलिया लगाता ही है तो, और एप्रन लगाता है, तो जो क्ले है वो ऑयस्टर लेकर हैरी की शॉप में आ जाता है और आकर हैरी को कहता है कि मुझे एक ऑयस्टर मिला है और मुझे यकीन है इसके अंदर एक पर्ल है। मिस मैक्यूचिन भी उसके साथ है और मिस मैक्यूचिन कहती है कि क्ले झूठ बोल रहा है, इसके ऑयस्टर के अंदर कोई पर्ल मौजूद नहीं है। जबकि हैरी जो है वो इस बात पर अग्री कर लेता है कि क्ले के पास जो सीप है उसके अंदर एक मोती है। वो दोनों बहस करते हैं, इसी दौरान हैरी एक सजेशन देता है कि तुम जाओ वुज़क को बुला के लाओ। वुज़क कौन है? वुज़क वो शख्स है जो कि वॉच रिपेयरर है, उसके पास पुरानी और नई चीज़ें हैं और वो घड़ियाँ ठीक करता है और इसी तरह की पुरानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचता और ख़रीदता है। तो हैरी का ये ख्याल है कि ये वहाँ पर जाएगा और वहाँ से जाकर वुज़क को बुला कर लाएगा। और इनफैक्ट हैरी ये चाहता है कि वो क्ले की हेल्प कर दे, और जिस वक्त हैरी जो है उसको मदद करना चाहता है तो उसके साथ साथ उसके दिमाग में ये भी आता है कि जिस वक्त जो क्ले है वो वुज़क को ये सीप दे तो वो उसको खोलते वक्त उसके अंदर एक दूसरा मोती रख दे ताकि क्ले की मदद हो जाए। लेकिन मिस मैक्यूचिन जो कि एक टीचर है और वो चाहती है कि बच्चों को सच्चाई के असूल सिखाएं, इसी बात पर एक बहुत लॉन्ग डायलॉग है यहाँ पर जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसका थीम सिर्फ ये है कि मिस मैक्यूचिन चाहती है कि बच्चों को सच्चाई के असूल सिखाए जाएं, जबकि हैरी जो है वो कहता है कि मुझे सच्चाई के असूलों का नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि मैं सिर्फ इसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे कस्बे में रहता हूँ जहाँ पर लोगों के पास दो वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, वो लोग इतना कमाते हैं कि बामुश्किल ही गुजारा कर सकते हैं। और क्ले जो है उसका बाप भी एक ऐसा ही शख्स है, वो प्रोफेशनली कोई क्रिमिनल या कोई बुरा शख्स नहीं है, लेकिन उसके पास जो पैसे होते हैं उससे उनके घर की ज़रूरियात पूरी नहीं होती और मैं उनके घर को टूटने से बचाना चाहता हूँ। और जब वो वुज़क आता है और उसको खोलने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही जो राइटर है वो एक बहुत ही अमीर शख्स है, उसने वो सारी कहानी सुन ली होती है, हैरी और मैक्यूचिन की भी और क्ले और हैरी की भी, और वो ये समझता है कि मुझे इस बच्चे की मदद कर देनी चाहिए समहाउ। तो वो ये कहता है कि मुझे ये ऑयस्टर चाहिए। वो क्ले उससे पूछता है इसकी क्या कीमत है, वो कहता है इसकी कीमत $300 है। क्ले हैरी से पूछता है कि क्या मुझे ये इसको दे देना चाहिए, तो हैरी जो है वो सिर्फ इशारा करके कहता है कि हाँ तुम ये अपना जो ऑयस्टर है इसको दे दो। राइटर जो है वो उसको खोलना नहीं चाहता, वुज़क इसे कहता है कि तुम उसे खोलो, क्ले भी उसे कहता है कि तुम इसे खोलो तो सही, शायद इसमें पर्ल ना हो, शायद इसके अंदर मोती ना हो, लेकिन जो राइटर है मैन वो कहता है कि मुझे, मेरे लिए पूरे का पूरा ऑयस्टर ही एक पर्ल है, मैं इसे खोलना नहीं चाहता, और वो उसको $300 देता है और वहाँ से चला जाता है। और क्ले जो है वो खुशी खुशी वो पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। उसी दौरान क्ले का जो बाप है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ता है और न्यूज़पेपर पढ़ते ही उसको वो वहाँ पर ख़बर नज़र आती है जो कि उसने अपने, उसके बेटे ने उसको वापस बुलाने के लिए उस अखबार में छपवाई थी, उसके पढ़ते ही वो वापस आ जाता है और फिर वो अपने फैमिली के पास चला जाता है। इस कहानी का एंड जो है, इस प्ले का जो एंड है वो ये है कि
राइटर जो है, बाय प्रोफेशन जो राइटर था, वो उस बच्चे की मदद करना चाह रहा था, और हैरी जो है उसकी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, उसने एक ज़िंदगी में एक फिलॉसफी बनाई थी, और वो थी टेक इट ईजी, कि हर चीज़ को आसानी से लो, किसी चीज़ को भी मुश्किल ना करो लोगों. और वो ये भी कहता है कि आप ये फ़लसफ़ा, आप ये खुशी ये किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं, आप ये खुशी लोगों को खुश करके भी दे सकते हैं, आप लोगों की हेल्प करके भी दे सकते हैं. और उसने यही सोचा कि मैं इस वक्त क्ले की हेल्प कर कर ये अपनी खुशी हासिल कर सकता हूँ. और उसने वो जो पर्ल ऑयस्टर है उसको खोलने नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर कोई मोती मौजूद नहीं था, और वो ये जानता था कि अगर ये खुल गया तो इसके अंदर मोती नहीं होगा. इसलिए उसने जो राइटर था उसको एज इट इज़ $300 में वो दे दिया, और उस फैमिली को, उस घर को टूटने से बचा लिया. और इसी तरह ये प्ले जो है इस एंड हो गया. मिस मैक्यूचन आती है, लेकिन वो उस चीज़ पे आर्ग्यू करती है कि आपने मेरा तो वेट किया होता, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता. क्ले भी अपने घर चला जाता है, और क्ले का बाप जो है जब वो आता है तो वो भी घर चला जाता है, और वो फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है. इस तरीके से इस प्ले का एंड हो जाता है. अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं. आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस याद करने हैं, और वो क्वेश्चंस याद करने के बाद आपने वो असाइनमेंट्स बनाकर सेंड करनी है ग्रुप में. थैंक यू सो मच.